मैं सोई हुई हूं, मैं जागी हुई हूं, वह सो रही थी, मेरा हाथ सो गया है। वेट वेट वेट, आप सोचोगे कि ये मैम क्या शुरू होगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो सोना और जागना से रिलेटेड है, और इसमें मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया है स्लीप और वेक और अवेक के बीच में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। वह सोई हुई है, तो उसके लिए हम बोलेंगे शी इज अस्लीप, शी इज अस्लीप। वह सोई हुई थी या सो रही थी, तो शी वॉज अस्लीप, शी वॉज अस्लीप। अब मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि स्लीप यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ। हम स्लीप वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं। क्या तुम्हारी माँ सो रही है? इज योर मदर स्लीप, इज योर मदर स्लीप। 3 घंटे से ज्यादा हो गए उसे सोते हुए। शी इज स्लीप फॉर ओवर 3 आवर्स, शी इज स्लीप फॉर ओवर 3 आवर्स। एक चीज और स्लीप के बारे में मैं आपको जो बताना चाहूंगी कि जो स्लीप वर्ड है उसे हम कभी भी वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही मैंने अपना सर तकिए पर रखा मैं सो गई। आई फेल स्लीप एज सुन एज माई हेड हिट द पिलो, आई फेल स्लीप एज सुन एज माई हेड हिट द पिलो। नेक्स्ट है, मेरा हाथ सो गया है। अब हाथ सोना के लिए भी हम बोलते हैं स्लीप वर्ड। माई हैंड हैज फॉलन स्लीप, माई हैंड हैज फॉलन स्लीप। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो स्लीप है वो एज एन एडवर्ब यूज हुआ। अब है कि कई बार आप बोलते हो कि मेरा बायां पैर पूरी तरह से सो गया था, मैं इसे हिला भी नहीं पा रही थी, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा बायां पैर पूरी तरह से सो गया था। माई लेफ्ट फुट वॉज कंप्लीटली स्लीप, माई लेफ्ट फुट वॉज कंप्लीटली स्लीप। मैं इसे हिला भी नहीं पा रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू मूव इट, आई वॉज नॉट एबल टू मूव इट। माफ कीजिए मुझे नींद आ गई, सॉरी आई फेल स्लीप, सॉरी आई फेल स्लीप। मुझे बड़ी गहरी और सुंदर नींद आ गई, आई फेल इन टू अ लवली डीप स्लीप, आई फेल इन टू अ लवली डीप स्लीप। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देख सकते हो कि अगर आपने लगाया फेल स्लीप, आपने इनटू का यूज नहीं किया, बट अगर वही सेंटेंस आपने स्लीप के साथ बनाना है तो आप उसमें फेल इनटू स्लीप लगाओगे। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। मैं सोना चाहता हूं, I want to sleep। स्लीप वर्ड को हम एज ए नाउन यूज कर सकते हैं या एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। वो नींद में बातें करती है, शी टॉक्स इन हर स्लीप, शी टॉक्स इन हर स्लीप। वो नींद में दांत पीसती है, मतलब किट किट की आवाज आती है उसको। शी ग्राइंड्स हर टीथ इन हर स्लीप, शी ग्राइंड्स हर टीथ इन हर स्लीप। तो जब भी आपने ऐसे लगाना है कि वो नींद में बातें करती है, वो चलती है नींद में, तो आप बोलो शी वॉक्स इन हर स्लीप, तो हर स्लीप या ही स्लीप जरूर मेंशन कर दीजिए। अब आप कई बार किसी को बोलते हो कि तुम बहुत थक गए होगे, तुम थोड़ा सा सो क्यों नहीं लेते, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू मस्ट बी टायर्ड, वाई डोंट यू हैव अ लिटिल स्लीप, यू मस्ट बी टायर्ड, वाई डोंट यू हैव अ लिटिल स्लीप। नेक्स्ट है, मुझे कुछ देर सोना चाहिए, मैं थक गया हूं, तो हम इसे बोलेंगे आई मस्ट गेट सम स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड, आई मस्ट गेट सम स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड। अब कई बार आप बोलते हो यार आंख ही लगी थी तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप व्हेन समवन रैंग द डोरबेल, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप व्हेन समवन रैंग द डोरबेल। नींद की कगार पे होने को हम कहते हैं वर्ज ऑफ स्लीप, मतलब वर्ज का मतलब होता है किसी चीज के आप बिल्कुल किनारे पे हो या आपको वो चीज बस होने ही जा रही थी, तो इसलिए हम बोलेंगे आंख ही लगी थी के लिए आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप। कई बार आप किसी को बोलते हो क्या तुम अभी भी सो रहे हो,
तो ये सेंटेंस मैंने दो तरीके से बनाया है, वो बताती हूँ आपको क्यों. फर्स्ट वन इज आर यू स्टिल स्लीप, और सेकेंड वन इज आर यू स्टिल स्लीपिंग. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपने स्लीप लगा के इस वर्ड को सेंटेंस को बनाया, तो इसमें आपने उस पर्सन को हिलाया बट उसने कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, और आप सोच रहे हो ना ही वो हिला, और आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा अभी भी गहरी नींद में है, तो आपने बोला आर यू स्टिल स्लीप. बट अगर आपको दिख रहा है कि वो पर्सन हिल रहा है, और उसको आपको मतलब जजमेंट हो रही है कि वो थोड़ा बहुत जागा हुआ है, पूरी बहुत गहरी नींद में नहीं है, तो हम बोलेंगे आर यू स्टिल स्लीपिंग. नेक्स्ट इज सो जाओ. सो जाओ के लिए हम बोलेंगे गो टू स्लीप. गो टू स्लीप. सो जाओ के लिए आप ये नहीं बोल सकते गो टू स्लीप. जाग जाओ, वेक अप वेक अप. उठ जाओ, गेट अप गेट अप. आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया कि वेक अप और गेट अप में क्या डिफरेंस होता है. ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जगा हुआ हूं. इसे बोलने के लिए हम बोलेंगे आई एम अवेक. आई एम अवेक. नेक्स्ट है मैंने उसे धीरे से जगाया, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई वॉक हिम जेंटली. आई वॉक हिम जेंटली. क्योंकि जगाया लग गया पास्ट टेंस में चला गया, तो हमने वेक की सेकेंड फॉर्म वॉक यूज कर ली. नेक्स्ट है कृपया कल मुझे जल्दी जगा देना. प्लीज वेक मी अर्ली टुमोरो. प्लीज वेक मी अर्ली टुमोरो. नेक्स्ट है 11:30 हो गए और वो अभी भी पूरी तरह से जगा हुआ है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इट्स 11:30 PM एंड ही इज स्टिल वाइड अवेक. इट्स 11:30 PM एंड ही इज स्टिल वाइड अवेक. वाइड अवेक का मतलब है कि पूरी आंखें खोल के जगा हुआ है. कई बार आप बेबी के लिए ही बोलते हो पूरी तरह से जगा है यार ये सो नहीं रहा, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो वाइड अवेक. अवेक और वेक में भी वही डिफरेंस है कि अवेक को हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं और वेक को हम वर्ब. तुम अभी भी जाग रहे हो. यू आर अवेक येट. यू आर अवेक येट. तुम अभी तक सोए नहीं हो. यू हैवन स्लेप्ट येट. यू हैवन स्लेप्ट येट. अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है. पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने अवेक येट यू आर के साथ लगाया, और जो नीचे वाला है वो सोए नहीं हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, तो हमने हैवेंट का यूज किया. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कई बार आप बच्चों से ही बोलते हो कि अरे तुम जाग रहे हो, 10 मिनट पहले तो सो रहे थे. हे यू आर अवेक 10 मिनट्स एगो यू वर फास्ट स्लीप. पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो हमने उसको बनाया हे यू आर अवेक से, और 10 मिनट पहले तो सो रहे थे वो पास्ट में है, इसलिए हमने वहां पे यू आर लगा दिया. और फास्ट स्लीप का मतलब है कि बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था. ऑलरेडी मैंने पहले क्लियर कर दिया इसका मतलब. हम सुबह सुबह जाग गए, तो हम इसके लिए बोलेंगे वी वॉक एट डॉन. डॉन का मतलब आता है बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज हो रहा होता है, तो उसको हम डॉन कहते हैं. वी वॉक एट डॉन. कई बार आप बोलते हो कि तुम उसे जगा नहीं पाओगे, वो बहुत गहरी नींद सोता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे यू वॉन्ट वेक हिम. इसका मतलब है यू विल नॉट वेक हिम, तुम उसे जगा नहीं पाओगे. ही इज सच अ हैवी स्लीपर. अब इसमें हैवी स्लीपर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी नींद सोए. नेक्स्ट है वो नींद में चलता है, तो नींद में चलने के लिए हम बोलेंगे ही इज अ स्लीप वॉकर. ही इज अ स्लीप वॉकर. स्लीप वॉकर को जो पर्सन नींद में चलता है उसको हम बोलते हैं स्लीप वॉकर. कई बार हमारे साथ ऐसे भी होता है कि जब आप जागते हो और सिर दर्द हो रहा होता है, तो आप बोलते हो कि मैं जगा तो सिर दर्द हो रहा था, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई वॉक अप विद अ हेडेक. आई वॉक अप विद अ हेडेक. नेक्स्ट है उसकी चीखों ने हमें जगा दिया, तो उसके लिए हम बोलेंगे हर स्क्रीम्स अवोक अस. हर स्क्रीम्स अवोक अस, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो हर स्क्रीम्स वॉक अस अप. हर स्क्रीम्स वॉक अस अप. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए, और
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय।